से टकराने की वजह से रूस का ये मिशन फेल हो गया है। और ये भी कहा जा रहा था कि पहले से दरअसल कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, हालांकि रूस के साइंटिस्ट लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि देखिए जितनी टेक्निकलिटीज है उन सबको सॉल्व कर लिया जाएगा और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा, लेकिन रूस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो रूस के वैज्ञानिकों के चेहरे उतर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो भारत की उम्मीदें हैं, खासकर इसरो के वैज्ञानिकों की जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को ही बता रहे हैं और इस वक्त हम सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करते हैं। प्रियंका, एक तरफ हम भारतवासी जो हैं वो बेहद उत्साहित हैं इस बात से लेकर कि चांद के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस को जो लूना 25 के जरिए झटका लगा है उसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। रशिया की भी अगर बात करें, 49 सालों बाद मून पर अपना कोई मिशन रशिया ने भेजा था। 10 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया गया था और महज 11 दिन में ये लैंड भी करने वाला था, यानी कि 21 अगस्त को लैंड करने वाला था। बनिस्पत हमारे, क्योंकि हमारे पूरे मिशन की अगर बात की जाए तो 40 दिन का टाइम था और ये केवल 11 दिन में लैंड करने वाला था। इसके कई कारक हैं, लेकिन जिस तरीके से एक दिन से लगातार टेक्निकल ग्लिच की बात आ रही थी, बताया जा रहा था कि संपर्क लूना 25 का अपने अर्थ स्टेशन से टूट गया है। काफी कोशिशें वैज्ञानिकों ने वहां पर की, लेकिन 49 साल बाद रशिया का चांद के साउथ पोल पर जाने का जो सपना था वो टूटा और बताया जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग हो गई, यानी कि अब किसी भी तरीके से लूना 25 के साथ कोई संपर्क रशिया का जो अर्थ स्टेशन है वो साथ नहीं पा रहा है। जी रीमा, बिल्कुल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ के सिद्धार्थ, साइंटिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपसे टेक्निकलिटी समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि ऑर्बिट फेस बदलने के दौरान जो है ये क्रैश हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, स्पेस में इतने वेरिएबल्स काम करते हैं, इतने ढेर सारे, कुछ समय से एक दो ही वेरिएबल होते हैं जो अगर काम नहीं कर किया या एक दो वेरिएबल आगे पीछे हो गया, हमें जानकारी भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो अंतिम आधे घंटे का समय रहता है, 15 मिनट का समय रहता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि उसमें जो रॉसकॉस्मोस है वो जमीन से भी नियंत्रित नहीं कर पाता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही वहाँ पर उसके भीतर में काम कर सकता था। तो जो जो स्थिति हुई वह स्थिति यह हुई कि उसे एक रास्ते पर चलना था, उस रास्ते से वो भटक गया, किसी कारण से भटक गया। इन लोगों ने उसको वापस लाने की कोशिश की, वापस लाने की लाख कोशिशों के बावजूद वह वापस नहीं ला पाए उस रास्ते पर। और वह अंततः क्या हुआ कि अंततः जिस दिशा में जाना था, जैसे जाना था वैसे चला गया और क्रैश कर गया। तो वो इस कारण से हुआ होगा कि ग्रेविटी मून के ऊपर में जो होती है, चंद्रमा के ऊपर में होती है, वो इतनी डिफरेंट होती है कि वो पता नहीं चल पाता है। दूसरा, उस स्थान पर प्लाज्मा कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो बहुत हॉट चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, वो भी पता नहीं चल पाता है। तो अंतिम अवस्था में या अंत में उतरने के पहले कौन कौन सी परिस्थितियाँ आई होंगी, एक पता नहीं चल पाया। दूसरा, कि जब उसे मैनूवर करने की कोशिश कर रहे थे तो मैनूवरिंग करने में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई, ठीक है, और वो मैनूवर नहीं कर पाए, तो सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो। तो ये किसी को भी पता नहीं है, अब तो रिपोर्ट आने पर ही मालूम चल पाएगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर यह है कि चंद्रमा पर लैंड करना इतना आसान नहीं है। अब सोचिए, लूना टेक्निकली कितना एडवांस था, उसमें वह 1 साल तक वहां पर रहता, उसमें जैसी भी तरह के कुछ कुछ चीजें इंस्ट्रूमेंट भी थे जो वहां पर जमीन को खोद खोद कर गड्ढा करके वहां की मिट्टी निकालना, और तो और है वहां पर गर्म में भी, मतलब गर्म मतलब कि 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव करता और -200 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव करता है। रशिया का एक्सपीरियंस देखिए और रशिया का यह देखिए कि रूस ने इतने दिनों तक अपने स्पेस प्रोग्राम को रखा, स्पेस स्टेशन चला रहा था, तब भी नहीं हो पाया। तो इसरो का उस रूप में अगर उपलब्धि देखें तो अभी तक सच में बहुत अच्छी उपलब्धि है।